हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मेसी इंडिया चैनल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेन्यूलेशन टेक्निक्स की। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलेशन मेथड्स। सो हमें ग्रेन्यूलेशन टेक्निक्स को समझने से पहले हमें ग्रेन्यूलेशन समझना होगा, ग्रेन्यूलेशन हम किसको बोलते हैं। तो चलिए हम ग्रेन्यूलेशन एक सिंपल डेफिनेशन से समझ लेते हैं। दैट ग्रेन्यूलेशन एक प्रोसेस है जहां पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आपस में बॉन्ड बनाकर एक लार्ज एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इन लार्ज एग्रीगेट को हम बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। इन ग्रेन्यूल्स बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेन्यूलेशन। सो ये था डेफिनेशन में। अब चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ग्रेन्यूलेशन प्रोसेस मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेर इन स्मॉल पार्टिकल्स एडहेयर टूगेदर बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स बिटवीन देम, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। तो चलिए ग्रेन्यूल्स का हमने देख लिया, ग्रेन्यूलेशन हम किसको बोलते हैं। तो अब देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ ग्रेन्यूलेशन। There are three methods of granulation. First one is your direct compression method. Second is your dry granulation method. Third one is your wet granulation method. Okay. Now, अब इन methods में हम क्या-क्या discuss करने वाले हैं? The definition, schematic procedure discuss करने वाले हैं. Third one is detailed theoretical procedure की क्या concept है और कैसे किया जाता है. ठीक है? So, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं direct compression की. Yes. डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड क्या होता है? आप जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन मींस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन दी एक्सिपिएंट्स। तो अब डेफिनेशन से देख लेते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन इज अ ड्राई प्रोसेस वेयर इन द पाउडर्ड मटेरियल इज कंप्रेस्ड डायरेक्टली इनटू द टैबलेट विदाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द फॉर्मर बीइंग मॉडिफाइड, मींस विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन पाउडर्ड मटेरियल। हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे पाउडर्ड मटेरियल में, हम उसको डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल हैं जो डायरेक्ट कंप्रेशन से टैबलेट बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट, फॉर्मुलेशन ऑफ च्यूएबल एंटासिड टैबलेट, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कंप्रेशन का, डायरेक्ट कंप्रेशन का प्रोसीजर। फर्स्ट हमने ड्रग को वे किया, आफ्टर दैट हमने उसको ग्राइंड कर दिया एक ग्रेन्यूलेटर में। दिस इज योर ग्रेन्यूलेटर, हमने उसको ग्राइंडिंग कर दी, ठीक है। नाउ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और मिक्सिंग कैसे करेंगे? ड्रग लिया और यहां पर हमने एक्सिपिएंट ऐड किया, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, देन दिस ब्लेंड और दिस मिक्सिंग मटेरियल हम फॉरवर्ड कर देंगे टैबलेट प्रेस होने के लिए in a machine and we will get the tablet in through the direct compression procedure. Okay, now ab detail mein dekh lete hain har step ko. First of all humne baat kari grinding ki, drug is added to the granulator and grinded, after that blending or mixing ki. इस मेथड में हमने एडजुवेंट और डायरेक्टली कंप्रेसिबल व्हीकल्स और आपके अदर एक्सिपिएंट जैसे कि मैंने बताया उनको मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर। और नाउ थर्ड स्टेप में टैबलेट प्रेस स्टेप में हमने टैबलेट जो हमारा मटेरियल था पाउडर्ड मटेरियल था हमने उसको कंप्रेस कर दिया मशीन के द्वारा टू गेट अ फाइनल टैबलेट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। सो ये था आपका डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। अब हम बात करने वाले हैं ड्राई ग्रेन्यूलेशन मेथड की। ड्राई ग्रेन्यूलेशन मेथड को हम डबल कंप्रेशन भी बोलते हैं, कंप्रेशन ग्रेन्यूलेशन भी बोलते हैं और प्री कंप्रेशन ग्रेन्यूलेशन भी बोलते हैं। डबल कंप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो बार कंप्रेशन किया जाता है। प्री कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन करने से पहले एक बार और कंप्रेशन किया जाता है, तो इसको हम प्री कंप्रेशन ग्रेन्यूलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इस प्रोसेस में हम सबसे पहले एक बड़ी टैबलेट बनाएंगे, फिर उस बड़ी टैबलेट को फाइनली क्रश करके ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करके और पर्टिकुलर मेथड से उसको फिर फाइनल टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे। ये था हाईलाइट ऑफ ड्राई ग्रेन्यूलेशन। डेफिनेशन से देखते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ टैबलेट बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द टैबलेट फॉर्मुलेशन इनटू स्लग और कॉम्पैक्ट मास। यहां पर बात हुई है जो हमारा पाउडर्ड मटेरियल है, हम सबसे पहले उसको एक स्लग और बड़ी टैबलेट में कन्वर्ट करेंगे,
कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर दैट दीज फॉर्म्ड मासेस आर स्क्रीन टू फॉर्म यूनिफॉर्म साइज्ड फाइन ग्रेन्यूल्स. इस कॉम्पैक्ट मास को हम क्रश करेंगे और इसको पर्टिकुलर स्क्रीन करके हमें फाइन ग्रेन्यूल्स मिलेंगे. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इस फाइन ग्रेन्यूल्स को हम टैबलेट प्रेस होने के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे. सो वी विल गेट द फाइनल टैबलेट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द टेक्निक इज सुटेबल फॉर दोज ड्रग्स विच आर मॉइस्चर सेंसिटिव एंड डिग्रेड एट हायर टेम्परेचर एंड एडमिनिस्टर्ड इन हायर डोजेस. ये मेथड उन ड्रग्स के लिए सुटेबल है जो मॉइस्चर सेंसिटिविटी है, डिग्रेड हो जाती है हायर टेम्परेचर पे और जो हाई डोज में एडमिनिस्टर की जाती है. ठीक है. दो प्रोसेस होते हैं इसमें ड्राई ग्रेन्यूलेशन में. फर्स्ट वन इज योर स्लग फॉर्मेशन. मैंने आपको बताया स्लग बनाते हैं, कॉम्पैक्ट मास बनाते हैं. सेकेंड इज योर रोलर कॉम्पैक्शन मैथड. रोलर कॉम्पैक्शन मैथड होता है किसमें बात करने वाले हैं. चलिए अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. फर्स्ट हमने ड्रग को वे किया, आफ्टर दैट हमने उसको ग्राइंडर में डाला ग्राइंड होने के लिए. ठीक है. यहां पर हमने एक्सीपिएंट्स डाले, जो भी हमारे डाइल्यूएंट्स थे हमने उसको ब्लेंड किया एक्सीपिएंट के साथ में. आफ्टर दैट कॉम्पैक्शन. यहां पर आपका रोलर कॉम्पैक्शन क्यों यूज किया गया, हमने ये जो ब्लेंडेड पाउडर है हमने इसको इसमें डाला, सो हमें बड़ा सा स्लग मिला, एक बड़ी टैबलेट मिली. ठीक है. आफ्टर दैट इस टैबलेट को, बड़ी टैबलेट जब ये होगी तो हम इसको क्रशर में डालेंगे. क्रशर से हमें क्या होगा, क्रशिंग कर देगा इंटू ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में बना देगा. ठीक है. आफ्टर दैट हम इन ग्रेन्यूल्स को स्क्रीन करेंगे, मतलब पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है कि नहीं, डिफरेंट सीव साइज से देखेंगे और उसको शिफ्ट कर देंगे आगे प्रोसेस के लिए. ठीक है. नाउ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग. आफ्टर दैट जो हमारा यूनिफॉर्म साइज था जो हमें पर्टिकुलर यहां से मिला, हम उसकी फिर से ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करेंगे यहां पर ल्यूब्रिकेंट ऐड करके. ठीक है. यहां पर हम ल्यूब्रिकेंट भी ऐड करेंगे और फिर उसको मिक्स कर देंगे ग्रेन्यूल्स के साथ. आफ्टर दैट हम उसको टैबलेट प्रेस के लिए भेज देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ टैबलेट प्रेस वी विल गेट द फाइनल टैबलेट. ओके. ये था हमारा ड्राई ग्रेन्यूलेशन प्रोसीजर स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन. अब बात करेंगे हम डिटेल एक एक स्टेप्स में हमने क्या क्या किया. फर्स्ट वन इज योर ड्रग इज एडेड टू द ग्रेन्यूलेटर एंड ग्राइंडेड. सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया हम यहाँ पर डाइल्यूएंट्स ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे अदर एडजुवेंट्स के साथ और ड्रग्स के साथ. कॉम्पैक्शन ये वाला इंपॉर्टेंट है. आफ्टर मिक्सिंग द पाउडर मिक्सचर इज स्लग्ड, मतलब एक बड़ी उसमें टैबलेट और कॉम्पैक्ट में बनाया गया एंड कंप्रेस इनटू लार्ज फ्लैट टैबलेट और पैलेट्स अबाउट 1 inch डायमीटर. ठीक है. उसको कॉम्पैक्ट मास में बनाया गया, एक लार्ज टैबलेट की तरह बना दिया और हम बड़ी स्केल में रोलर कॉम्पैक्टर यूज करते हैं स्लग बनाने के लिए. फिर उसके बाद हमने उसकी जो स्लग था उसको हमने क्रश कर दिया, ब्रोक कर दिया बाय मिलिंग टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स. ठीक है. ग्रेन्यूल्स मिलने के बाद हमने उसको स्क्रीन किया. स्क्रीन किया मतलब विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सीव और मेश साइज से कि पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है कि नहीं. आफ्टर दैट फिर उसमें ब्लेंडिंग और मिक्सिंग किया उन जो ग्रेन्यूल्स के साथ में ल्यूब्रिकेंट एजेंट ऐड करके उसको ब्लेंड कर दिया गया. सेवेंथ स्टेप में द रिजल्टेंट ग्रेन्यूल्स टैबलेट प्रेस में द रिजल्टेंट ग्रेन्यूल्स आर कंप्रेस्ड बाय मशीन टूलिंग ऑफ अ टैबलेट प्रेस. ठीक है. टैबलेट मिल गई और कौन कौन सी टैबलेट्स हम इस मेथड से बनाते हैं. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट हमारी ड्राई ग्रेन्यूलेशन से बनती हैं और प्री कंप्रेशन ग्रेन्यूलेशन से. ठीक है. ये था हमारा ड्राई ग्रेन्यूलेशन. अब बात करते हैं वेट ग्रेन्यूलेशन मेथड की. वेट ग्रेन्यूलेशन के नाम से समझ पा रहे हैं दैट इन दिस वी विल यूज द लिक्विड. यस, वेट ग्रेन्यूलेशन. इसको हम मॉइस्ट ग्रेन्यूलेशन भी इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हम इसमें लिक्विड यूज करते हैं टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास. एग्जाम्पल ले लेते हैं. आप घर में रोटियां बनाते हैं तो जो आपका आटा होता है हम उसमें लिक्विड डालते हैं तो वो एक कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाता है ना. ये एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है. ठीक है. नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं. वेट ग्रेन्यूलेशन और मॉइस्ट ग्रेन्यूलेशन इज द मोस्ट कन्वेंशनल वर्सेटाइल वाइडली यूज्ड टेक्निक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट्स एज इट इम्पार्ट्स ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स. ठीक है. दिस टेक्निक
differs from other granulation method as it involves the usage of liquid to form compact mass. मैंने आपको बता दिया liquid use करते हैं compact mass बनाने के लिए, तो अलग है सबसे technique दोनों method के comparison में. ये tablets हमें wet granulation से मिलती हैं, formulation of acetaminophen tablet and formulation of aluminium hydroxide chewable tablets. ठीक है ना, अब उसको हम एक schematic representation से देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रग को वे करेंगे, आफ्टर दैट हम उसको एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे, देन एक्सिपिएंट्स ऐड कर यहां पर हम उसको एक ब्लेंडर मिक्स कर देंगे. नाउ शेयर मिक्सर, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अलग है. यहां इस स्टेप में हम लिक्विड डालेंगे. ठीक है, लिक्विड डालने के बाद जो हमारा ये पाउडर मटेरियल था ये कॉम्पैक्ट मास में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, उस कॉम्पैक्ट मास को फर्दर हम यहां पर इस कॉम्पैक्ट मास को हम फर्दर स्क्रीन करेंगे, ग्रेन्यूल्स बना लेंगे इसके यहां पर. ठीक है, वेट स्क्रीन करेंगे, पैलेट्स बना लेंगे जो कॉम्पैक्ट मास मिला था हमें. आफ्टर दैट ये जो वेट था तो हम इसको फिर ड्राई करेंगे. ड्राई क्यों करेंगे, क्योंकि जो ये लिक्विड एक्सेस हो गया होगा तो हम उसमें ये जो लिक्विड है वो ड्राई हो जाएगा. ठीक है, नाउ ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे कि हमें जो पार्टिकल्स मिले वो पर्टिकुलर ड्राई हो चुके हैं, यूनिफॉर्म है कि नहीं है. आफ्टर दैट हम ब्लेंडिंग करेंगे. इस स्टेप में यहाँ पर ल्यूब्रिकेंट ऐड करके ग्रेन्यूल्स को इनके साथ में मिक्स कर देंगे और ब्लेंडर की हेल्प से उसको फर्दर हमें एक मिक्सचर मिल जाएगा. आफ्टर दैट हम उसको फॉरवर्ड करेंगे टैबलेट प्रेस के लिए. टैबलेट प्रेस मिल के थ्रू हमें फाइनली एक टैबलेट मिलेगी विद द हेल्प ऑफ वेट ग्रेन्यूलेशन प्रोसीजर. ठीक है, ये था हमारा वेट ग्रेन्यूलेशन प्रोसीजर. अब इसको डिटेल में देख लेते हैं स्टेप वाइज हमने क्या क्या किया. ग्राइंडर की हेल्प से हमने ग्राइंडिंग की सबसे पहले इन ग्रेन्यूलेटर. सेकेंड स्टेप में ब्लेंड किया जो अदर डाइल्यूएंट्स थे, एडजुवेंट्स थे मिक्सर की हेल्प से. आफ्टर दैट शीयर मिक्सिंग, हमने इस स्टेप में लिक्विड यूज किया. देख सकते हैं ग्रेन्यूलेटिंग लिक्विड्स एग्जाम्पल एल्कोहल आर एडेड टू फॉर्म अ डैम्प मास ऑफ द पाउडर्ड मटेरियल विच रिजेंबल्स एग्लोमेरेट्स. आफ्टर दैट वेट स्क्रीनिंग किया. वेट स्क्रीनिंग में जो एग्लोमरेट्स बने हमारे पास हमने उसको पैलेट्स में कन्वर्ट कर लिया और ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया. फिर ये जो ग्रेन्यूल्स थे वो गीले थे, हमारे वेट थे, हम उनको ड्राई किया. ड्राई इस स्टेप में द पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स आर ड्राई टू रिमूव एक्सेस ऑफ द लिक्विड. आफ्टर दैट उसको ड्राई स्क्रीनिंग किया, साइज रिडक्शन देखा, यूनिफॉर्म देखा कि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज है कि नहीं. ब्लेंड किया, इस वाले स्टेप में हमने ल्यूब्रिकेंट ऐड किया, ल्यूब्रिकेंट एजेंट ऐड किया टू द मिक्सचर थ्रू द ब्लेंडर एक ब्लेंडर की हेल्प से. आफ्टर दैट टैबलेट प्रेस होने के लिए हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया. एट फाइनल स्टेप वी विल गेट द टैबलेट विद द हेल्प ऑफ वेट ग्रेन्यूलेशन प्रोसीजर. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपके तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे ग्रेन्यूलेशन टेक्निक्स के. सो just subscribe and hit the bell icon on our channel so you will get the update when we are going to upload our next video. So students, stay connected. Thanks for watching.